हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रैवल विद राज। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अमरनाथ की यात्रा के बुकिंग कैसे करें और CHC कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाना है, जो कि श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की तरफ से इशू हो रखा है। वहाँ अपना मेडिकल का PDF फॉर्म भर के ले जाना और वहाँ जाके आपको 3 टेस्ट करवाने हैं। पहला टेस्ट है आपका ब्लड टेस्ट, दूसरा टेस्ट है आपका एक्सरे, तीसरा टेस्ट है आपका ECG। तीनों टेस्ट करवाने के बाद आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जो आपका फाइनल मेडिकल रिपोर्ट होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरह की रिपोर्ट रहेगी आपकी, यहाँ मोहर लगी हुई होगी, देख सकते हो मोहर लगी हुई है यहाँ पे डॉक्टर की, तो आपकी कुछ ऐसी रिपोर्ट रहेगी। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाके अमरनाथ यात्रा 2023 लिखना पड़ेगा। आपकी जो फ्रंट वेबसाइट आएगी श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक हेयर फॉर यात्रा स्टेशन 2023। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप दिखा रखा हो कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, और नीचे जाके कैप आई एग्री पे क्लिक कर देना आप। देन यहाँ पे आपको यात्रा डिटेल की फिल करना पड़ेगा, रूट ऑफ यात्रा। तो यहाँ पे आप बालटाल से जाएंगे या पहलगाम से जाएंगे वो उस पर आप पे डिपेंड करता है, उस पर क्लिक कर देना। और डेट ऑफ यात्रा, आपको यात्रा कब करनी है उस डेट पे सेलेक्ट कर देना, और चेक एविलिटी पे क्लिक कर देना ताकि आपको मालूम पड़ जाए कितनी एविलिटी अभी है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हो जाएगा। देन अपना फुल नेम डालना यहाँ पे और फादर नेम, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मोबाइल नंबर जिस पे OTP जाएगा वो डालना, और आधार नंबर, एमरजेंसी नंबर की कोई नीड तो नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे डालना नहीं तो रहने देना। और आपका ये यहाँ पे स्टेट डालना, कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालना, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, जो भी है। और नेम ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन, यहाँ पे भी अपना नाम डाल देना, रिलेशन ऑफ द किन मतलब यहाँ पे फादर का नाम डाल देना और अपना रिलेशन दिखा देना आप, वो सन है ओके। यहाँ ब्लड ग्रुप आपका जो है वो डाल देना, यहाँ पे आपका एड्रेस हो जाएगा। ये सब तो नॉर्मल कॉमन डिटेल है। अब मेन चीज़ आती है मेडिकल डिटेल। मेडिकल डिटेल के लिए आपको यहाँ पे स्टेट डालना है जहाँ से आपने मेडिकल वेरीफाई करवाया है, जैसे कि मैं दिल्ली से करवाया था तो यहाँ पे हमने डाल दिया दिल्ली से, नोट डाल दिया, और यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा और अथॉरिटी नेम आ जाएगा। देन अपनी फोटोग्राफ, फ़ोटो पासपोर्ट साइज खींचना, वो यहाँ पे अपलोड होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड होगा यहाँ पे जो आपको मिला है, और जिस दिन इशू हुआ है उस दिन की डेट डाल देना और एक कैप्चा डाल देना। इसको डालने के बाद आप जैसे सबमिट करोगे बटन को एग्री करने के बाद, वैसे आपके फिर जो नंबर आपने डाला था उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद वो आपसे OTP मांगेगा, देन उसके बाद आपको OTP नंबर डालना पड़ेगा और वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इधर कोने में रजिस्ट्रेशन रजिस्टर का ऑप्शन मिला है, यहाँ पे आप वेरीफाई एप्लीकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन, तो अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन में जो आपके फ़ोन पे आएगा वो यहाँ डालना, और फ़ोन नंबर डालना यहाँ पे, और कैप्चा डालना, और आपका OTP जाएगा और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि एप्लीकेशन आपका अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। देन अप्रूव होने के बाद आप यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ से आप सीधे डाउनलोड यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना, और आपकी इसकी 120 रुपये की फीस जाएगी जिसे आप पे कर देना, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, के रजिस्ट्रेशन बैंक ब्रांचेस से भी हो रहे हैं, आप वहाँ पे भी जाके भी करवा सकते हो अगर आपको खुद नहीं आता है तो।